ये डॉक्टर साहब किसी भी दिन नहीं आते हैं, एक भी दिन नहीं आते हैं। बहुत गलत बात है, अब मैं रोज यहाँ पे आऊंगा ऑफिस से। ये है ईएसआई का अस्पताल। तो ईएसआई मेनली होता है उन हमारे जो लेबर्स होते हैं, मजदूर भाई बहन होते हैं, जो भी कहीं काम कर रहे हो फैक्ट्री में। लेबर इसमें कंस्ट्रक्शन साइट की भी कवर होती है? नहीं सर, वो तो नहीं आते हैं इसमें। ऑर्गेनाइज्ड लेबर, जिस नैनीताल की बात हम करें तो कहाँ कहाँ के लोग इसमें कवर होते हैं? स्कूल है, होटल है, स्कूल वगैरह होटल। अच्छा, स्कूल्स में। स्कूल्स के मतलब जैसे मान लीजिए कोई माली है वहाँ पे, हाँ सर कवर होंगे। जी जी। होटल्स में कोई कुक है, कुक वगैरह होगा, फैक्ट्री के वर्कर होगा, उनका हर महीने कुछ पैसा कटता है सैलरी में से? सैलरी में से कटता है। कितना कटता हो सर? लगभग 150-200। तो उसके बदले भी यहाँ की सेवाएं निःशुल्क मिलेगी? जी जी बिल्कुल सर, ये फैसिलिटी होती है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे कितने डॉक्टर्स हैं सर? 8 डॉक्टर साहब हैं। 8? 1 मंथ सर। कहाँ बैठते हैं सर? बगल में है। और बाकी स्टाफ पैरामेडिकल में क्या क्या है सर? मैं फार्मासिस्ट हूँ और एमडी हूँ फोर्थ क्लास में। अच्छा जी। तीन ही लोग चला रहे हैं? नहीं सर, अभी है वो हल्द्वानी से मार रहे हैं। वो क्या देखते हैं सर? वो ये ओपीडी के पर्चे वगैरह, रजिस्टर में नाम वगैरह। पर दवाइयां तो आप अंदर से देते हैं? जी निःशुल्क देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब की एक ही पोस्ट है? हाँ हाँ। तो आप भी यही काम करते हैं? आप तो करते हैं। तीन ही लोग हैं सर? साफ सफाई देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी सफाई है आपकी, वही मैं देख रहा था। और डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं तो कार्य डिवीजन कैसे किया है हमने? आप कह रहे हैं सुबह से तीन लोग आ भी चुके हैं, तो आए कैसे वो? किसने देखा उनको जब डॉक्टर साहब नहीं है तो? सर वो एक्चुअली अब यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं, क्योंकि ये हाइट का मामला है ना सर। नहीं नहीं, वो मेरा सवाल। जी 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 भाई, डॉक्टर ही अधिकृत है ना देखने के लिए? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब तो है नहीं जी, तो जो तीन लोगों को देखा है वो किसने देखा है? सर मैंने ही देखा है, मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट कैसे देख रहे हैं सर? हम ऐसी कोई दवाई नहीं देता, जैसे वो आते कहते गैस हो रही है, गैस ही दे दी। तो ठीक है, जो मल्टीविटामिन। आपका हल्द्वानी वाला हॉस्पिटल कहाँ है? तीन पानी में है सर। तीन पानी में है, तो उनको फिर यहाँ तो एक भी दिन नहीं आते हैं वो डॉक्टर साहब? सर कभी आते हैं, कभी जाएंगे। कभी से मतलब? तो वो हमें ऐसा सूचित तो नहीं करते हैं सर कि हम इस दिन आ रहे हैं। पिछली बार कब आए थे? तो जिसको गंभीर बीमारी है फिर वो तो आ ही नहीं सकते। प्लम प्लम काम करो, यहाँ पे ना एक नैनीताल में ईएसआई का अस्पताल है, ठीक है? इसके डॉक्टर यहाँ पे मुझे लगता है कि आते होंगे, नहीं आते होंगे, अभी तो नहीं है। ये बता रहे फार्मासिस्ट की कभी आते हैं, कभी बिना बताए नहीं आते हैं। और ये कहते हैं कि ईएसआई का मेन हॉस्पिटल तीन पानी में है, इनके पास अतिरिक्त चार्ज है। तो पहले तो ये बता करो कि तीन पानी में ये वहाँ पर भी है या वहाँ से भी गायब है? कहीं तीन पानी में अस्पताल है इनका, एक नंबर वन। सेकेंडली जब ये मिल जाए तो इनसे ये पूछा जाए कि नैनीताल के लिए कौन सा दिन तय किया इन्होंने। मान लो अगर डबल चार्ज भी है तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक भी दिन नहीं आएंगे, पता करो उसे। ओके हाँ ओके। तो ये तो पिछली बार कब आए थे? अटेंडेंस किस में लगती है? अच्छा ओपीडी रजिस्टर दिखाइए। तो डॉक्टर साहब आ ही नहीं रहे हैं। ये है आज कितनी तारीख है? आज का दिखाइए। तो यार हर दिन मतलब फार्मासिस्ट ही देख रहे हैं इसमें? अच्छा कोई भी डॉक्टर साहब एक भी दिन नहीं आते हैं, किस दिन आए होंगे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम आप लोग तो हिसाब किताब रखते होंगे ना, पिछली बार कब आए? अटेंडेंस है कोई? अच्छी बात नहीं है। अगर डबल चार्ज भी है तो नैनीताल के लिए कोई दिन तय करें, कई जगह डबल चार्ज होते हैं। आप तो अपना काम सीरियसली कर रहे हैं, और मैडम जो नहीं है वो क्या देखती हैं काम? सर ये ओपीडी के पर्चे वगैरह बनाना रजिस्टर में। उनके अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए आप लोग उनका, मतलब आप इसमें सभी आप लोग अटेंडेंस लेते हैं? हाँ सर, इससे तो हम साथ हैं नहीं। तो डॉक्टर साहब किसी भी दिन नहीं आते हैं, एक भी दिन नहीं आते हैं? मतलब ये अप्रैल में एक भी दिन आए थे? अप्रैल में आते हैं।
कितने दिन? 7 अप्रैल के बाद आए ही नहीं, क्यों? और आपको भी नहीं बताते टीम पानी में वो इकलौते डॉक्टर है? तो कम से कम एक दिन तय करके बाहर लिख दें ये दिन है तो कुछ भला हो, और वो दिखाइए अटेंडेंस भला। तो बेसिकली 7 तारीख के बाद आप ही लोग दवाई का दे देते हैं, वो कहता है गैस है तो गैस है, ये फिर आप रेफर कैसे करोगे यार? आप लोग कैसे, आप कैसे करोगे रेफर? तो डॉक्टर साहब ही कर सकते हैं, आप कैसे करते हैं रेफर फिर? कहाँ है मैडम का नाम? ये संडे तो चलो छुट्टी थी, फिर 2 तारीख को क्या है? तो वर्किंग डे था, छुट्टी थी, ईद थी, तीन की छुट्टी थी, दो वर्किंग को, दो को भी नहीं आई आई, दो को भी एबसेंट है, और आज ईद हो गई, तीन को तो हॉलीडे हो गई, आज 4 भी मैडम एबसेंट हैं, और बीच में तो क्या मैडम ने सीएल वगैरह लिखी है? आप लोग कहाँ रहते हैं? मैं रामनगर रहता हूँ। आप टाइम पे कैसे आ गए? आप कितनी दूर से आए? या आप लोग ने ऐसे एडजस्टमेंट तो नहीं कर रहे कि एक दिन तू नहीं आएगा, एक दिन मैं नहीं आऊँगा, और मिलजुल के साइन करेंगे? ऐसा नहीं, यहाँ पे वो लगे हुए सीसीटीवी कैमरा सर, वो तो नहीं लगाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब हैं वो 7 तारीख के बाद से फिर एक ये दिन नहीं आए हैं। ओके, दीपक स्वरूप टुमटा जी, जी मैम आप आए, वेरी गुड। आप लोगों को छुट्टी कौन देता है? मान लो कभी इमरजेंसी में चाहिए हो तो बात भी नहीं करी। हिमांशु मंडल जी, सर हिमांशु जी तो आ रखे हैं, वेरी गुड हिमांशु जी, है ना। प्रमोद चौहान जी, कौन है प्रमोद चौहान जी? आपने तो इनके बारे में बताया ही नहीं, आपने तो मुझे बोलो 3 ही लोग हैं। प्रमोद राम जी हैं, इनकी जरा फोटो खींच के ताकि मैं डायरेक्टरेट में चिट्ठी लिखूं। पूरा हिंदी में बताइए इसका फुल फॉर्म क्या, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में तो ESS का फुल फॉर्म बता दो भाई, कम से कम नौकरी कर रहे हो यहाँ तो खाना पीना खा रहे हो, लिखा होगा बाहर, बाहर से पढ़ के आइए, लिखा होगा। प्रमोद राम जी, आप तो आए हैं, चौहान जी आज भी नहीं आए, ये कहाँ रहते हैं? बहुत गलत बात है, अब मैं रोज यहाँ पे आऊँगा ऑफिस से, क्योंकि ये गलत बात है, तब छुट्टी लीजिए। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिस्पेंसरी ये है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं है। कितने लोग एबसेंट पाए गए? 3 एबसेंट, और डॉक्टर साहब तो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, 4 एबसेंट हैं, अच्छी बात नहीं है, इनको बताइए। और अभी इनका आज का वेतन भी काटना ही पड़ेगा, मजबूरी है, और भविष्य में व्यवस्थाएँ ठीक करिए, क्योंकि आप लोग तो हैं, आप लोग की तो गलती नहीं, इनको बताइए, वरना फिर मैं ये लिखूंगा कि अन्य किसी आदमी को रखा जाए जो मेहनती है, ठीक है?